अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी देसी चिकन की रेसिपी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल का मैंने ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, ये एक दरमियाने साइज का प्याज मैंने लिया था, ये ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए प्याज, तो लाइट सा इसको ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को और मसालों को कुछ देर भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 3 दरमियाने साइज के टमाटर, ये मैंने लिए थे, पील ऑफ कर लिया था इसको। अब अच्छे से इसको भूनेंगे। अच्छा जी, तो जो नॉर्मल चिकन हम बनाते हैं वो तो तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन ये जो देसी चिकन होती है इसको बनने में 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन लगते ही लगते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ये 10 से 12 पीस मैंने लिए थे, कट कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, ये बिल्कुल वॉश करके मैंने फ्रीज करके रखी थी। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ये जब तक अपना पानी ड्राई ना कर दे। चिकन का जब अपना पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे। चिकन का जब अपना पानी ड्राई हो चुका था उसके बाद मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया और इसको 1 घंटे के लिए कुक किया है, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, 1 घंटा इसको हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, पक चुका है बिल्कुल अच्छे से। लास्ट में इसके ऊपर धनिया गार्निश कर सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं था, उससे बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।